आज का दिन बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो मुझे लगता है जासूस भाई को पकड़ लिया है इमिग्रेशन ने। क्या हाल है भाई? यार मेरे को ब्लॉगिंग सिखाओ यार, ये लो अभी करते हैं ब्लॉग। ऐसे ऐसे भाई जब तक जिंदा है ना इंडियंस को दिक्कत नहीं कहीं पे भी। आपके बोल से किसने बोल किया था? हमारा एक खाता खुलवाने पड़ा। कौन सी लेनी है जासूस भाई? और पहली बार वो यहाँ पे किसी से अंग्रेजी में बात करते हुए। तो ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मिलता है। व्हाट शी वाज स्टीलिंग समथिंग। उसके साथ साथ एक फोन भी मिला इनको, फ्री का। फ्री का फोन तो देखो। तो हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे एक और नए व्लॉग पे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरा एक दोस्त जासूस किंग, जो काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया लैंड हो चुका है। तो हाँ, जस्ट मुझे अभी उसका मैसेज आया कि वो एयरपोर्ट पे लैंड हो चुका है और मैं जा रहा हूँ उसे पिक करने के लिए अभी। तो यहाँ पे दो एयरपोर्ट है, एक टर्मिनल 3 टर्मिनल 4, एक दूसरा है टर्मिनल 1 टर्मिनल 2। तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो वो टर्मिनल 3 पर लैंड हो रहा है और मैं जा रहा हूँ उसे लेने के लिए। कुत्ते ऐसे शक्ल क्यों बना रहे? तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। अरे उधर जा रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, जासूस आ रहा है ना। तो फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ और ये है टर्मिनल 3 एंड टर्मिनल 4 और ये है रहा यहाँ का एयरपोर्ट और ये क्वांटास में वो आ रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी फेमस फ्लाइट है क्वांटास। ये यहाँ का टैक्सी रैंक है। फ्लाइट लैंड हुए अराउंड 40 मिनट्स हो गए हैं और जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ कि आप वहाँ से क्या ला रहे हैं क्या नहीं, तो उसके लिए बहुत तगड़ी ये लोग चेकिंग करते हैं। तो आई थिंक उसको इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। फ्लाइट लैंड हुए हो गए हैं 1 घंटा और मुझे लगता है जासूस भाई को पकड़ लिया है इमिग्रेशन ने, क्योंकि यहाँ पे सारे सामान निकाल देते हैं। शायद ये मसाले वसाले कुछ भी लेके आए हों वो सारे निकाल दिए होंगे, उन्हें बिन में डाल देंगे ये लोग। पकड़ा होगा तो $400 का फाइन भी लग सकता है। क्या हाल है भाई? कैसे यार मेरे को ब्लॉगिंग सिखाओ यार, ये लो अभी तुम करते हैं ब्लॉग। अरे आईफोन इससे करना है क्या भाई? तभी मैं बोलता हूँ आईफोन से ब्लॉगिंग करो, ठीक है? ये बड़ी महंगी चीज़ है, हाथ में सेट नहीं बैठती। अच्छा। हाँ, तो गाइस फाइनली लैंड हो चुके हैं पर्थ के अंदर। भाई अपने स्वागत के लिए पता नहीं कितने से खड़े हो भाई? एक घंटा। तुम्हारा 10 मिनट दूर है ना? ये तो यही रहता हूँ। फिर वहाँ घर से आते यार, काम परेशान हो गए। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे भाई जब तक जिंदा है ना तो इंडियन से कोई दिक्कत नहीं कहीं पे भी। गाड़ी थोड़ी सी दूर पार्क करी थी वरना एयरपोर्ट पे मुझे देना पड़ जाता पार्किंग, और जो कि यहाँ पार्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फोन किसका? आपके फोन से किसने फोन किया था? वो गलती से दूसरे एयरपोर्ट चले गए, 10 मिनट लगेगा उनको वापस आने में। ये लो बात कर लूँ। थैंक यू भैया। ठीक है भैया, मिलते हैं। कॉल करना मेरे को तो। The next day. जी, तो भाई लोगों अभी हम आ चुके हैं भाई का बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। जो गाइस हमारा एक खाता खुलवाने पड़ा उसी अकाउंट में। तो ये है कॉमनवेल्थ बैंक, यहाँ का काफ़ी फेमस बैंक। तो मैं भाई को यहीं लेकर आ गया। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सिम। भाई को रात को 3 बजे मैं बीच ले कर गया क्योंकि इनको यहाँ का बीच देखना था। और फिलहाल हम अभी खोलते हैं इनका बैंक अकाउंट। भाई जो चीज़ बोल रहा हूँ सारी डिमांड पूरी कर रहा है भाई। मैं तो रात को बीच का चस्का लग गया, जैसे सुल्तान मिर्जा गया था ना मुंबई में, ये लगी है लाइन यहाँ पर। अभी वो आएगी पूछने के लिए क्या काम क्या है। बोला कि आई वांट टू ओपन अ बैंक अकाउंट। नो आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी दिस। तो अनफॉर्चुनेटली भाई का बैंक अकाउंट तो नहीं खुल पाया क्योंकि बैंक बंद होने में सिर्फ 15 मिनट रह गए थे। भाई काफ़ी अपने उदास हो चुके हैं भाई, सैड माहौल हो गए। दूर से आए हैं तो अभी क्या करें, सिम लेने चले? सिम लेते हैं कुछ तो करते हैं भाई, काम कल से तेल ही फूके जा रहे हैं। तो अभी हम सिम लेने जाते हैं वोडाफोन का, और यहाँ भी चलता है वोडाफोन। यहाँ फ्री में आईफोन मिलता है, सिर्फ आईफोन फ्री में लेना होता है। हाँ, आईफोन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको फ्री में मिलता है। पासपोर्ट दिखाओ, आईफोन ले, पासपोर्ट दिखाओ और आप कोई भी आईफोन ले सकते हो यहाँ पे। उसकी इंस्टॉलमेंट बन जाती है 2 साल की 3 साल की, जितना आप चाहो। क्यों? उधार की जिंदगी, उधार की ज़िंदगी है बस। तो अगर आप कोई भी आपको यहाँ पे दिखाता है कि वो आईफोन ले चुका है यहाँ पे आते ही, तो वो सब भाई फालतू की चीज़ें हैं, वो सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। केमार्ट क्या है? केमार्ट, केमार्ट एक ऐसी जगह है, ये सस्ती चीज़ मिलती है, सारे चाइनीज आइटम मिलता है। अच्छा। सबसे सस्ता है यहाँ का स्टोर भाई। यहाँ वो नहीं है क्या 99 स्टोर होता है? 99 स्टोर मैंने नहीं देखा। यहाँ तो वंडो का ना, इंडिया में 99 स्टोर होता है। ये है टैरो केस, यहाँ पे अच्छे कपड़े मिलते हैं, काफ़ी फेमस है ये। सस्ता है महंगा है? जो यहाँ रहता है उनके लिए तो सस्ता है। अरे कपड़े तो बहुत मैंने खरीद लेते हैं,
इंडिया से ही ले आएंगे भाई तुम्हारे लिए। तो आजकल क्या कर रहे हैं लोग ना यहाँ पर सारे कपड़े ये गुची उची के सेकंड कॉपी इंडिया से मंगवा ले रहे हैं लोग पार्सल करवा के वहाँ से और 2000 में आ, और यहाँ पे लोग ज़्यादातर लोकल पहनते नहीं है तो सबको ये लगता है कि बंदा ओरिजिनल पहन के घूम रहा है। वो देखो गाड़ी भाई जेब में 200 रुपये पड़े बताओ गाड़ी खरीद कौन सी लेनी है जसूस भाई उठा लें चलो चलो अंदर से देखो बढ़िया दोनों लग रही है इंटीरियर देखो अंदर से अरे खुलना नहीं देगा ये तो मुझे लग रहा है थार की कॉपी निकाली इन्होंने इसमें डाला भाई ये कैसी है वोडाफोन और यहाँ पे करा क्लिक अभी हम यहाँ पे इधर जाना है। फाइनली हम आ गए हैं वोडाफोन के स्टोर में सिम लेने के लिए वो अपना जासूस भाई सिम ले रहा है और पहली बार वो यहाँ पे किसी से अंग्रेजी में बात करते हुए और क्वेश्चन या तो ये यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में मिलता है आईफोन 15 आप चाहें तो $41 मंथली दे सकते हैं यहाँ पर 15 प्लस $45 की इंस्टॉलमेंट बनेगी 15 प्रो की 47 और 15 प्रो मैक्स की $56 मंथली इंस्टॉलमेंट। ये है S24 Ultra AI फंक्शन है इसमें मैंने पता नहीं क्या है। हाँ वो कपड़े चोरी करके भाग रही है मैं एक मिनट व्हाट शी वाज स्टीलिंग समथिंग यू गॉट इट बिकॉज़ आई हैव ऑन माय कैमरा वी गॉट इट ऑल शी गॉट ओह तो भाई लोगों अभी वो लड़की चोरी करके भागी और इन लोगों ने इसको पकड़ लिया। तो ये यहाँ पे कुछ होते हैं जो ड्रगिस होते हैं वो कपड़े वपड़े चोरी करके भागते हैं क्योंकि उसको फिर बेचते हैं उसी से पैसे कमाते हैं। हाँ जी तो भाई लोगों भाई को दिला दिया है सिम वोडाफोन का 50,000 रुपए का सिम है वो उसमें 4 इक्के हैं पांच इक्के हैं उसमें और लास्ट में 0 और लास्ट में 0 है तो काफी मतलब फैंसी नंबर है। उसके साथ साथ एक फोन भी मिला इनको फ्री का फोन तो दिखाओ फ्री मतलब फ्री लगा लो 50 कितने $1 $1 मंथली देना है तो वो है फ्री का फोन इनको 2 साल के लिए देना है बट वो फोन ही $300 का है 15,000 का बट इनको अपनी जेब से सिर्फ 2,500 रुपए देने हैं। दो ऑप्शन दे रहे थे भाई एक सैमसंग दे रहे थे ओप्पो दे रहे थे फिर मैंने ये सोचा ये लेते हैं चार्जर मिल रहा है फ्री में सैमसंग तो आजकल भाई 10,000 फोन में चार्जर देना बंद कर दिए। तो अब हम आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट और यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के खाना खाते हैं। तो ये रेस्टोरेंट आ चुके हैं दिल्ली दरबार ऑस्ट्रेलिया में भी दिल्ली दरबार थैंक यू सो मच। अजय तो भाई लोगों को खाना आ चुका है और हमने मंगाया है भी क्या है ये कढ़ाई पनीर दाल मखनी जीरा राइस और रोटी। स्टार्ट करें भाई शुरू करते हैं भाई रोटी भी यार अलग तरीके से खा रहे हैं रोटी यार ये तंदूरी रोटी है नहीं हाँ तंदूरी है रोटी भाई। कैसा है ठीक ठाक है ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का टेस्ट सही लग रहा है इंडिया तो भाई दिल से जाएगा ही नहीं फिर भी दिल हिंदुस्तान नहीं। हाँ जी तो फाइनली हम आ गए हैं जासूस भाई के घर में जहाँ ये रुकने वाले हैं और ये है यहाँ का नज़ारा। जगह से लगी वीआईपी एरिया भाई। फाइनली हम आ चुके हैं जहाँ पे जासूस रुका हुआ है और ये रहा यहाँ का घर। चलो अपना रूम तो दिखाओ रूम सही है वो बढ़िया ये तो ऐसा लग रहा है 5-star होटल का रूम मिल रहा है तुम्हें अमानत रख लो तो गाइस ये था आज का व्लॉग और मैंने जासूस भाई को उनके घर पर ड्रॉप कर दिया है तो मिलते हैं आपसे जल्द अपने नए नेक्स्ट व्लॉग पे तब तक के लिए गुड बाय। हो गई बात भैया मेरा भी वाईफाई कनेक्ट कर लो हाँ अभी देता हूँ घर पे बात कर लो।